क्वेश्चन नंबर 31 में हमारी इंटरप्रिटेशन थोड़ी गलत हो गई थी, आइए इसको ठीक करते हैं। बिकॉज अगर ये मेरे पास एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स तो नहीं है, लेकिन हाँ इतनी बात समझ में आती है कि हम भी अभी हमने सीखा था लास्ट ही क्लास में, लास्ट वीडियो में, कि हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स क्या होता है, दैट इज लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टैन एक्स, राइट। सो एक बात तो बहुत पक्की है कि अगर मैं log of sec x plus tan x को differentiate करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे sec x ही तो मिलेगा, ठीक है। यानी कि दिस इज व्हाट, दिस इज एफ एक्स एंड दिस इज व्हाट, दिस इज एफ डैश एक्स, राइट। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए, राइट, एफ एक्स होना चाहिए, एफ एक्स की पार 1 + 1, यानी कि log of sec x plus tan x इसकी पार 2/2 + c, ठीक है। अगर किसी के पास बुक है तो एक बार चेक करके देखना जरा 31st का क्या आंसर है, जस्ट चेक एंड कंफर्म लॉग यस ऑफ। सर, यही आंसर है। ओके, बिल्कुल सही। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, राइट। यहाँ पे मैंने ही यहाँ पे गलत कर दिया था कि यहाँ पे हमने sec x को है ना, मैंने इंटीग्रेशन ले लिया था, बट आई थिंक दैट वॉज रॉन्ग। एंड इस तरीके से अगर हम करते तो हम बिल्कुल सही आंसर तक पहुंच जाते। चलिए आइए एक दो और अच्छे क्वेश्चंस करना चाहूंगा बिफोर वी से बाय बाय फॉर द डे, राइट। एक दो और अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे ये अगर हम देखें, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 65 थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है, राइट। 65 एक अच्छा क्वेश्चन लग रहा है और सब ठीक ठाक ही है, कोई ऐसी बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, 65 और ये आपका 71, ये दोनों क्वेश्चन थोड़े ठीक ठीक से लग रहे हैं, तो चलो इनको देखते हैं, हाउ कैन वी डील विद दिस। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स की पार 4 और होल पार कितनी है, होल पार हमारे पास 1/2 है। यहाँ पे किसको एफ एक्स लोगे, किसको एफ डैश एक्स बनाओगे, दैट इज दी मेन चैलेंज, ठीक है, दैट इज दी मेन चैलेंज। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर आप थोड़ा सा सोचना शुरू करो, राइट, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर को एक्स की पार 2 को अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लो, राइट, इफ आई टेक एक्स की पार 2 कॉमन, तो आई विल बी गेटिंग व्हाट, आई विल बी गेटिंग एक्स स्क्वायर आउटसाइड। एक एक्स मेरे पास ऑलरेडी है ना, और अगर मैं एक और एक्स बाहर ले लूँ तो मेरे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, लेकिन इससे कुछ बात ऐसी बन नहीं रही है। चलो कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं इसको ना इंटायरली एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो ये मेरे पास एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है, एक्स क्यूब आ जाएगा। और यहाँ ब्रैकेट के अंदर, बिकॉज एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट के अंदर जाकर क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 हो जाएगा। तो ये 1/ एक्स को एक्स की पावर 4 आ जाएगा, राइट। दिस इंटायर थिंग इज वेयर, दिस इंटायर थिंग इज इनसाइड द अंडर रूट, ओके। ये पूरी चीज हमारे पास अंडर रूट के अंदर है, एक बार देख लीजिए, अगर कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं। मैंने क्या किया, मैंने एक्स स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड किया है, तो एक्स मेरे पास पहले से था, देखो 1/x² किया है ना, और डिनोमिनेटर को भी, यानी यहाँ भी मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, ठीक है, ऐसा किया। तो 1/x² और एक्स कितना आ गया, 1/x³ आ गया। और यहाँ जब एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर लेके गए तो ये क्या हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया। तो एक्स की पावर 4/x⁴ 1 आ गया, और ये ऐसा आ गया, ठीक है। अच्छा, क्या इससे कुछ बात बनती है, इससे थोड़ी सी समस्या अभी भी रह जा रही है, राइट, थोड़ी सी समस्या अभी भी रह जा रही है हमारी। ये एफ डैश एक्स कहीं से भी क्रिएट होता हुआ नहीं दिखता। अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा और कुछ सोच के देखते हैं। जैसे अगर मैं एक्स स्क्वायर को अगर कुछ नहीं लेता, नीचे यहाँ पे एक्स है, राइट, ये एक्स ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। अगर ये एक्स ऊपर होता ना तो अभी तक फट से हो गया होता, बट द प्रॉब्लम इज कि हमारे पास यहाँ पे नीचे एक्स है। अच्छा भाई, चलो कोई बात नहीं, नो इश्यूज। सो 1 - 1/x⁴, अगर मैं इसको टी लेता हूँ तो भी बात नहीं बनती है। अगर एक्स की पार 4 को टी लेता हूँ, राइट, 1/x² होता तो बड़ा परफेक्ट होता ये, राइट, 1/x² होता तो बहुत ही परफेक्ट होता ये एक्स की पार 4। एक बार अपनी बुक्स चेक कर लेना, ठीक ही लिखा है ना, इसको ठीक ही लिखा होगा, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है शायद, एनसीईआरटी एग्जाम का क्वेश्चन लिख रहा है, तो एक बार ये देख लीजिएगा, ये एक्स की पावर 4 - 1 ही है ना, कुछ और तो नहीं है, एक बार चेक कर लेना, चेक योर बुक।
अगर है तो एक बस ये प्रॉब्लम आ रही है कि इस 1/x^4 यहाँ पे x^5 हो जाए तो बड़ा मजा आ जाए, बट ऐसे कुछ तो कर नहीं सकते। ओके x^4 बात नहीं बन पा रही है, x रह जा रहा है। चलो कोई भी ऐसी सब्सटीट्यूशन सोच नहीं रही, तो फिर मैं बस एक ही चीज मुझे समझ में आती है। x²=2 लेके तो हो रहा है। हाँ वही समझ में आता है, फिर बस एक ही काम रह जाता है कि x² को t लेके करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज और कोई सब्सटीट्यूशन कहीं से भी समझ में नहीं आती है। ठीक है, ये आपके पास dx है, ये आपके पास x है, अंडर रूट के अंदर x^4 -1 है। ठीक है, अब मैं कोशिश ये कर रहा था कि यहाँ पे x^5 क्रिएट कर लूँ, इससे क्या बेनिफिट होता कि 1 -1/x^4 को तुम t लेते और तुम्हारा काम फिनिश हो जाता, बट वो हम नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो कोई बात नहीं, नो इश्यूज। इन दैट केस आप क्या करेंगे, x² को यहाँ पे t ले लेंगे। ठीक है, अगर आप x² को t लेते हैं तो आपके पास dt/dx की वैल्यू कितनी आ जाती है, ट्वाइस ऑफ x आ जाती है। दैट मींस यू कैन से दैट दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग आउट टू बी, आई मीन dx को आप किससे रिप्लेस करेंगे, dt/ 2x से रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब देखो ये पूरा पूरा इंटीग्रैंड कैसा आ गया तुम्हारे पास, dx के जगह पे तुमने लिखा dt/x, 1/2 कांस्टेंट है बाहर रखो, x इंटू एक्स क्या मिलेगा हमें, x²। ठीक है, और अंदर हमारे पास x^4 -1 है। इन सभी जगह पे x² की जगह पे मैं t रख सकता हूँ, राइट, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दैट सब्स्टिट्यूशन, सो दिस वुड बी dt/(t)√(t²-1)। अब ये जो वैल्यू है ये कुछ जानी पहचानी सी तुम्हें लगनी चाहिए, क्या लगनी चाहिए, ये जानी पहचानी सी लगनी चाहिए। अगर आपको ये ध्यान आ रहा है तो ये कुछ और नहीं है, ये क्या है, दिस इज sec इनवर्स ऑफ टी, दिस व्हाट, sec इनवर्स ऑफ टी विद, और ये टू तो जैसा था वैसा ही रहेगा। तो शायद आप अगर इसका आंसर चेक करें तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो आना चाहिए, sec इनवर्स ऑफ टी, टी कितना था, x², तो sec इनवर्स ऑफ x²/2+c, दिस शुड बी द आंसर। अगर किसी के पास बुक है तो जरा चेक करो क्या आंसर दे रखा है, प्लीज चेक द आंसर इफ यू हैव द बुक, चेक करके बताओ मुझे जरा। सर यही ओके गुड इनफ देन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 भी करना चाहेंगे बिफोर वी से बाय बाय फॉर द डे, राइट, क्वेश्चन नंबर 71 आइए इसको भी देखते हैं जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 75 हम लोग देख रहे हैं। सो बताओ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, और यहाँ पे भी हम सोचना चाहते हैं कि आखिर डील कैसे करें। ठीक है, तो जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन याद है इनवर्स फंक्शन का, तब तो बहुत इजीली हो जाएगा, है ना, जैसे कि मुझे ध्यान था कि हाँ भाई sec इनवर्स x को जब मैं डिफरेंशिएट करता हूँ तो क्या होता था, 1/(x)√(x²-1)। ठीक है, तो वहीं से स्टैंडर्ड फॉर्म था, डायरेक्टली मुझे याद आ गया, बट अगर आपको ये याद नहीं है डिफरेंशिएशन तो सर्टेनली यू माइट बी इन प्रॉब्लम। ठीक है, सो यू शुड रिमेम्बर दीज थिंग्स। क्वेश्चन नंबर 71 इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दैट वी वांट टू डील विद, लेट्स सी। अब क्या ये x^3/4 है, बाहर क्या है, बाहर हमारे पास x² है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो x^4 है और इसकी होल पार 3/4 है, फॉरगेट दैट, वन वन की पार कुछ भी है वो तो वन ही है, कोई टेंशन नहीं है, हाँ होल है उसकी बात अभी करेंगे, बट सिर्फ मुझे इतनी बात बताओ कि जब ये x^4 को मैं 3/4 के बाहर लेके आऊंगा तो मिलेगा क्या मुझे, x³ मिलेगा, क्या मिलेगा, x³ मिलेगा। अच्छा भाई ये बड़ी अच्छी बात बताई, है ना, ये बड़ी अच्छी बात बताई, तो ये इंटीग्रैंड कैसा दिखेगा मुझे, ये इंटीग्रैंड ना कुछ ऐसा दिखेगा, अगर मैं x³ को बाहर ले जाऊंगा तो x² * x³ इज व्हाट, दिस इज x^5, ऊपर dx है अपने पास बना हुआ है। आप बोलोगे सर कर क्या रहे हो, अरे भाई मैं ये x^4 को ना इस ब्रैकेट के बाहर लेके जा रहा हूँ, तो बाहर लेके गया तो x^4 जब इस ब्रैकेट के बाहर गई तो क्या निकली, x³, तो x³ * x² क्या हो गया, x^5 हो गई, और x^4 मैं बाहर ले गया तो ये तो 1 बन गया, लेकिन 1 है तो ये क्या बन जाएगा, 1/(x^4), राइट, और जो भी मेरे पास पार्स थी वो एज इट इज बनी हुई है।
इससे क्या बेनिफिट हुआ, इससे ये वो बेनिफिट हो गया जो मैं लास्ट क्वेश्चन में चाह रहा था, राइट। मुझे ये बेनिफिट दिख रहा है कि 1 अपॉन एक्स की पावर 4 को अगर मैं टी ले लूं तो अपना काम इज फिनिश्ड, राइट। अपना काम इज व्हाट, अपना काम इज फिनिश्ड। डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -4 एक्स की पावर -5 यानी कि अपॉन एक्स की पावर 5, ठीक है। डी टी अपॉन डी एक्स है ना, डी टी बाई डी टी मैंने लिख दिया है, ये दिस इज डी टी अपॉन व्हाट, दिस डी टी अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो यहां से हमें ऐसा बोलना चाहिए कि डी टी अपॉन 4 विद नेगेटिव साइन कैन रिप्लेस डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 एंड द इंटीग्रैंड इज ऑलरेडी इन दैट फॉर्म। इंटीग्रैंड को कैसे लिखोगे बताओ, इंटीग्रैंड तुम्हारे पास डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 को क्या लिखोगे, -1/4 बाहर रखो, ये रहा डी टी और ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है तुम्हारे पास, टी रेस टू दी पावर 3/4। सो डू वी नो द इंटीग्रेशन फॉर दिस, सर एन यस, -3/4 है, सो टी रेस टू पावर -3/4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/4 अपॉन 1/4 दैट विल बी 4 टाइम्स प्लस सी, ठीक है। सो दैट वुड बी द फाइनल आंसर, टी की जगह पे आप रखेंगे, टी की जगह पे कितना रखोगे, टी की जगह पे रखोगे आप 1 + 1 अपॉन एक्स की पावर 4 होल रेस टू दी पावर 1/4 प्लस सी, ठीक है। अच्छा माइनस साइन हमने कहीं मिस तो नहीं किया, चेक करो चेक करो, एक ये 1/4 भी था और माइनस साइन भी था, तो माइनस साइन हमने रखा, 1/4 कैंसिल हुआ, दिस इज गॉन, सो द आंसर इज -1 + x/4 रेस टू दी पावर 1/4, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसको एक स्टेप और ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, यू कैन राइट इट एज x रेस टू द पावर 4 प्लस 1 रेस टू द पावर 1/4, नीचे x / 4 की पावर 1/4, व्हाट इज दैट, दैट इज ओनली x, ठीक है। सो दिस कुड बी ट्रीटेड एज द फाइनल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है बच्चों। लेट मी नो इफ एवरीथिंग इज फाइन टिल दिस पॉइंट, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझे बता सकते हैं।